रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया और इसके बाद उसका उत्पादन भी शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन रूस की इस वैक्सीन को संदेह की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन भारत ने रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा जताया है। ये जानकारी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जहां तक स्पुतनिक 5 वैक्सीन का सवाल है, भारत और रूस के बीच इस पर बातचीत जारी है। इसको लेकर कुछ प्रारंभिक जानकारियां साझा की गई हैं और कुछ विस्तृत जानकारी का इंतजार है। यहां आपको बता दें कि स्पुतनिक 5 को गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर तैयार किया है। ये वैक्सीन 11 अगस्त को पंजीकृत की गई थी। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी भी जारी है। तीसरे चरण का ये ट्रायल रूस में 45 केंद्रों पर 40,000 से अधिक लोगों पर किया जा रहा है। वैक्सीन लॉन्च होने के बाद रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रियू ने वैक्सीन के प्रोडक्शन पर भारत के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने वैक्सीन के उत्पादन में दिलचस्पी दिखाई है। आपको यहां बता दें कि रूस ने 2 महीने से भी कम ह्यूमन टेस्टिंग के बाद स्पुतनिक 5 वैक्सीन लॉन्च कर दी थी। हालांकि इसके ट्रायल के शुरुआती नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए। यही वजह है कि कई देशों के विशेषज्ञ इसके कारगर होने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत ने रूस के वैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई है और दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत जारी है। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं।